के बाजार आधे दिन बंद रहे। इस मामले को लेकर संत और सनातन धर्म समाज के बैनर तले हरी सेवा उदासीन आश्रम के महंत हंसराम समेत अन्य संतों ने रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जहां महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने बांग्लादेश के हालातों की निंदा की और कहा कि पड़ोसी मुल्क में हिंदू समाज पर घोर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, महिलाओं लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है और सैकड़ों हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, हिंदू जागरण मंच समेत कई संगठनों ने इस बंद का समर्थन भी किया। में हिंदुओं के साथ सनातन धर्म पर जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, जो नृशंस हत्या की जा रही है, उसके विरोध में भीलवाड़ा में एक आक्रोशित रैली संतों के नेतृत्व में और सनातन धर्म समाज के सभी के द्वारा एक जिलाधीश महोदय को माननीय देश के माननीय महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है और निवेदन किया जा रहा है कि आप संवेदनशील है और बांग्लादेश में जो हो रहा अत्याचार अन्याय को तत्काल रोका जाए, तत्काल प्रभाव से रोका जाए। हम सब नहीं तो फिर हम सब लोगों को, हिंदुओं को इतना सरल सहज न समझा जाए, वो लोग सर्वभवंतु सुखिने के भाव रखने वाले हैं, करुणा और दया के हैं, पर अगर आप इसी तरह से अन्याय होगा तो फिर अन्याय के विरोध में उस समूल अन्याय को नष्ट करने के लिए पूरा हिंदू समाज खड़ा रहेगा। आज भीलवाड़ा में संत व सनातन समाज जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदू समाज को जिस प्रकार से उनके मंदिर प्रतिष्ठान घर व महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, निर्मम हत्याएं हो रही है, आज हम राष्ट्रपति महोदय को माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा भीलवाड़ा संत समाज व समस्त सनातन समाज भीलवाड़ा बाजार बंद करवाकर आज ये ज्ञापन दे रहे हैं कि बांग्लादेश में तुरंत प्रभाव से हिंदू समाज व अल्पसंख्यक समाज जितने भी हैं उनका प्रतिष्ठान मंदिर व उनकी जान माल की रक्षा तुरंत करें व विश्व पटल पर तुरंत उसकी आवाज़ उठाएं व बांग्लादेश में वर्तमान में जो भी व्यवस्था है उनसे बात कर तुरंत प्रभाव से हिंदुओं को व हिंदुओं की जान माल की रक्षा करें और हिंदू जो भी भारत आ रहे हैं उनके भरण पोषण व उनकी नागरिकता का बंदोबस्त करें व उनके लिए समुचित व्यवस्था करें।